अनुपमा में अनुज के पास्ट की होगी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अनुज ने खुद ही कबूल कर लिया है कि उसका एक और भी पास्ट है। जहां पर अनुपमा से प्यार का इजहार करने से पहले अनुज उसको बता देता है कि उसका एक और पास्ट रह चुका है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं, हमेशा अनुपमा के बारे में ही सोचता रहा और कहीं ना कहीं उसके दिल में वही प्यार है। तो होगी अब अनुज के प्यार की एंट्री, वो भी काफी सालों बाद, जो कि उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर भाई अब आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर देखने को मिलेगा अनुज का एक पास्ट, जो कि अनुपमा को बहुत तगड़ा झटका देने वाला है। अनुपमा का इजहार करने से पहले ही कोई थामेगा अनुज का हाथ, और वो कोई और नहीं अनेरी ही होगी, जो कि उसे काफी छोटी होती है, और देखने को मिलेगा कि इनमें एज गैप भी काफी होता है, जिसके चलते हुए भी यहाँ पर काफी बवाल खड़ा होने वाला है। अनेरी को अनुज के करीब देखकर अनुपमा को होगी बहुत ही जलन, को काफी बड़ा ट्विस्ट है, जो कि अनुज ने इसका खुलासा किया है। दरअसल यहाँ पर अनुपमा उससे प्यार करने लगी है अनुज से, और वनराज ने भी कह दिया है कि तुम भी वही महसूस करने लगी हो जो तुम्हारे लिए अनुज करता है, और अब तुम्हें भी उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और वनराज का ये गेस्चर देखकर अनुपमा भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब वनराज को सिर्फ अपने काम से काम मतलब है, और कौन क्या करता है उसे कोई मतलब नहीं, वो नफरतें सब कुछ भुला चुका है, और अब वो सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा प्यार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में ही अनुज का पास्ट आकर पूरी कहानी को पलट देगा, जो कि कहानी में एक ट्विस्ट भी लेकर आएगा। दरअसल अनुपमा को अनुज से प्यार हो चुका है, और वो प्यार अब साफ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो अनुज से होश में आते ही उस बात को कहना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही होगी एंट्री अनेरी की, जो कि अनुज का पास्ट है, और वो अनुपमा को उसके करीब देखकर काफी बुरी तरह से तिल मिला जाएगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से ही उसने मुझे नहीं अपनाया था, और इतने सालों का इंतजार कहा तुमने उसे क्या सिला दिया, आज भी तुम उसे यूज ही कर रही हो, बिजनेस हो या काम हो या हर जगह तुम उसे यूज ही तो कर रही हो, और तुम कितनी मतलबी कितनी सेल्फिश गर्ल हो। उसके बाद अनुपमा को बहुत बुरी बेइज्जती यहाँ पर करते नजर आएगी, और उसकी भी उससे बिल्कुल भी इस तरह से दुश्मनी हो जाने वाली है, नहीं अनुपमा की एक नई दुश्मन की एंट्री, जो कि अनुज और अनुपमा के बीच आएगी। अब कहानी में ट्विस्ट तो आ ही चुका है, देखते हैं कि अनुज और अनुपमा कैसे एक होते हैं इस न्यू एंट्री के बावजूद भी।